नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, रेकी हीलर और पामिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिक कार्ड में कि आपके आने वाले समय में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, क्योंकि साथियों आप भी जानते हो हर कोई कोरोना यानी कि कोविड-19 के कारण परेशान है, वो चाहे एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो छोटा या बड़ा, आपकी अपनी फैक्ट्री है, आपका अपना बिजनेस है, शॉप है, आप हर कोई इससे परेशान हो रहा है, क्योंकि जो इतने टाइम से रुक गया वो वैसा चलेगा कि नहीं ये मन में है। एम्प्लॉयर ये सोच रहा है कि मैं अब इतने स्टाफ के साथ कैसे काम करूँगा, उनको कैसे सैलरी दूँगा। जो एम्प्लॉय है वो सोच रहा है कि क्योंकि हर तरफ से ये प्रेशर सुनाई पड़ रहा है कि परेशानी का दौर चल रहा है, तो मेरा एम्प्लॉयर मेरे को कंटिन्यू रखेगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं लीड कर रही हैं कि मेरे आने वाले समय में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, सबको चिंता होगी। तो आज मेरा प्रयास है आप सबको इस चिंता से निकालने का कि आपके आने वाले समय में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी। मैं इसको शुरू करूं उससे पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक इस हफ्ते का हॉरोस्कोप नहीं देखा, जो वीकली प्रेडिक्शन रहता है 8 से 14 तारीख तक का, उसको ज़रूर देखें, आपको उससे भी गाइडेंस मिलेगी। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कि जो मेरे नए वीडियोस होंगे वो चाहे पीका कार्ड से रिलेटेड हो या वीकली हॉरोस्कोप हो, आपको तुरंत मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। तो आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेके मैं इसको शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप साथ ये देखिए कि यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स लगाए हुए हैं, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। एक बार फिर देखिए, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। आपका ध्यान जिस कार्ड पे सबसे पहले गया है उस कार्ड को मनी मन प्रे करिए भगवान से, अपना आप जिसको भी मानते हो, भगवान, अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, खुदा, जिसको भी मानते हो उनसे प्रे करें, क्योंकि गाइडेंस तो वही देते हैं हमें कि जो आपके मन में जिज्ञासा है कि आपका आने वाला फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगा, उससे आपको इंसाइट मिले, गाइडेंस मिले, जिससे आप उस तरीके से कर सके काम, राइट। तो अभी मैं शुरू करता हूँ, पहला कार्ड लेता हूँ साथियों। पहला कार्ड है जस्टिस। साथियों, जस्टिस ये बहुत अच्छा कार्ड आया आपका। इसका मतलब है कि आपका अगर कोई लॉन्ग पेंडिंग इशू है कोर्ट में या आपस में डिस्प्यूट है, किससे, आपका जो भी कोई सप्लायर है, जिसने आपको माल सप्लाई किया या जिसको आपने माल सप्लाई किया, उससे किसी न किसी कारणवश डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है मुकदमा, आपका पैसा फंसा हुआ है। तो पैसा फंसा हुआ है तो काम करने में दिक्कत हो रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऐसा फंसा हुआ पैसा, क्योंकि निश्चय ये जो आपका निर्णय है आपके फेवर में आने वाला है, आपको फाइनेंशियली राहत देगा। अगर आपका डिस्प्यूट कोई आपके एम्प्लॉयर से हुआ है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, एम्प्लॉयर के साथ आपका डिस्प्यूट हुआ हो, तो वो भी इसमें रिजॉल्व होता दिखाई दे रहा है। तो जब एक बार आपका फाइनेंस जो आपका एम्प्लॉयर के साथ रिजॉल्व हो जाएगा, निश्चित रूप से आपकी कंडीशन भी सॉल्व हो जाएगी। इस हफ्ते यानी कि इस हफ्ते क्या, जो आने वाला समय है, अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, अगर आप वो डिसीजन को इंट्यूटिवली डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन भी आपको आपके फाइनेंस में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है, क्योंकि उससे आपका फाइनेंस ग्रो करेगा, उससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और एक चीज़ और साथियों, अगर आपका कोई आपका दोस्त आपके मन मुटाव करके आपसे झगड़ा करके अलग हो गया है, तो वो भी आपको दिखा रहा है कि वो फिर से वापस आएगा आपके बिजनेस में, फिर से वो आपको जुड़ेगा, यानी कि जो जो चीज़ें आपकी अलग हो रही हैं फाइनेंस रिलेटेड, वो फिर से आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा जिन्होंने भी ये कार्ड नंबर 1 पिक किया, कि जस्ट हैव फेथ, आपको आपका जस्टिस मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं कार्ड नंबर 2 लेता हूँ, देखते हैं कार्ड नंबर 2 में क्या निकलता है। कार्ड नंबर 2 में आया है नाइट ऑफ कप। आप देखिए बहुत ही अच्छा यंग डायनामिक इसमें एक दिखाया है, यंग आदमी जो कि घोड़े पे, सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ है, उसके चेहरे पे बहुत ही कॉन्फिडेंस है।
ये कॉन्फिडेंस बता रहा है कि जो आप जो भी अभी काम कर रहे हैं उसमें आपके इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके जो फाइनेंस रिलेटेड जितने मैटर हैं वो आपके रिजॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं, आपका बिजनेस इसमें ग्रो करेगा। अगर जो आपके स्टेबिलिटी में थोड़ी सी वीकनेस आ गई है, आपको लग रहा है कि कोविड के कारण आपका बिजनेस रुक सा गया है, वो आपका रुका हुआ, क्योंकि ये आगे बढ़ने का इंडिकेशन दे रहा है, ये आपका बढ़ रहा है। और व्हाइट हॉर्स हमेशा बताता है कि आप अगर अंदर से काम रहेंगे, पीसफुली काम करेंगे, यानी कि डिसीजन आपको हेस्ट होके नहीं लेने हैं, किसी से आपको नाराज़ नहीं होना है, जब आप नाराज़ नहीं होंगे, शांत होकर डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीज़न आपको फेवर करेंगे। यही आपके जो भी काम करते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, उनके लिए भी साथियों ये कार्ड बड़ा अच्छा फ़ायदेमंद है कि आपका ये वाला समय जो आने वाला समय है, इसमें आपको पीसफुली थोड़ी काम करने की ज़रूरत है। इनर जो आपका इनर कॉल कह लो या इंट्यूशन कह लो, उस पर बेस्ड होकर जब आप काम करेंगे, निश्चित रूप से आपको फल देगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा अभी मैं बात नहीं करता हूँ, पर अच्छा कार्ड है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी, ये इसमें से निश्चित रूप से पता चल रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट उन सबको जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 पिक किया है। अब मैं कार्ड नंबर 3 लेता हूँ, इंतज़ार कर रहे होंगे 3 नंबर वाले कि उनका क्या निकलता है। तो 3 नंबर कार्ड वाले हैं 6 ऑफ वैंड्स। जैसे कि आप इस कार्ड में देख रहे हैं कि एक आदमी जो है, एक औरत को और एक बच्चे को जो है वो एक नाव पे बिठा के ले जा रही है। और अगर आप इसमें देखना चाहें तो इसमें एक तरफ जो है वेवी है और दूसरी तरफ शांत है, इसका मतलब अब भी जो आपकी कंडीशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन है। आपका जो बिजनेस है थोड़ा डिफ़िकल्ट के दौर से गुजर रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी जॉब से हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन हो कि आपको ये सुनाई पड़ रहा हो कि हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है कुछ लोगों की छटनी कर रहा हो। तो आपका जो बिजनेस है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, आपका प्रेजेंट स्थिति डिफ़िकल्ट चल रही है, पर एक अच्छी बात यह है कि ये आपको एक व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपको उसके पार लेके जा रहा है, दूसरे किनारे पर लेके जा रहा है। इसका मतलब ये जो आपकी इस समय विषम परिस्थिति है या विपरीत परिस्थिति है, इसका ख़त्म होने का समय आ गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, तो घबराने की बात नहीं है। और वैसे अगर आप इन जनरल देखें साथियों, ये जो ख़राब स्थिति है तो वर्ल्ड वाइड है, और आपके लिए पर्टिकुलर जो डिवाइन मैसेज है वो ये है कि आपकी ये ख़राब स्थिति जो है वो ख़त्म होने जा रही है। अगर आपका बिजनेस डाउन हो गया किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी कारण से, तो वो आपका फिर से ठीक हो जाएगा। तो बहुत निश्चिंत रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हौसला रखिए, आप अपने पे काम करते रहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बिजनेस जो रुक गया है वो फिर से ग्रो करेगा। और एक चीज़ इसमें, अगर आपको बिजनेस के कारण ट्रैवल करना पड़े तो उसको भी खुशी से करना है, क्योंकि ये कार्ड ट्रैवल को भी दिखाता है। ट्रैवल, वो ट्रैवल क्योंकि अभी सी से तो ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, तो रोड से ट्रैवल होगा, और वो ट्रैवल आपका बिजनेस आपका बढ़ाने में फ़ायदा देगा। आपको कहीं ना कहीं दूसरे आपको टेंडर भी मिल सकते हैं, कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा है, जर्नी को भी एंजॉय करिए, पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जर्नी को एंजॉय करिएगा। जो आपके नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उनको एंजॉय करिएगा। सो ये सब था हमारे कार्ड नंबर 3 के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी 3 नंबर कार्ड चूज़ किया था। तो ये आज छोटा सा प्रयास आप लोगों को गाइड करने के लिए, डिवाइन मैसेज देने के लिए कि आपका आने वाले समय में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है साथियों, ये ज़रूरी नहीं है कि आज ऐसी स्थिति में आप इससे रिलेट ना कर पा रहे हो, पर आप इसको अगर 2, 3, 4, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर देखना चाहें, आपको रिलेट होता हुआ दिखाई देगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप इससे रिलेट कर पाए या नहीं कर पाए, नहीं कर पाए तब भी लिखिएगा, जिससे मेरे को पता चलेगा कि आप कहाँ तक इससे जुड़ पा रहे हैं। तो आप सबके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा हो, आप सभी फाइनेंशली और स्ट्रांग हो, स्टेबल हो, मेरा आपसे यही खुदा से सबके लिए दरखास्त है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।